सो है गाइस, कैसे आप लोग। तो आज का न्यू वीडियो के साथ, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट किया था 1v4 मैच। और आज हम लोग गेम में एक ऐसा बंदा आया था जिसके पास था पोसाइडर का एक्स सूट, और उस बंदे को हम लोग आज के गेम में मारने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो मैं यहाँ पे अभी लूट कभी आया था, तभी उसको एक्स सूट वाले बंदे का किल इफेक्ट आता है, और इसका नाम यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बंदूक 24। अब यहाँ पे गाइस मेरी लूट हो चुकी है और बंदे आगे की तरफ कैंप किए हैं, वो आगे नहीं आए, तो मैं यहाँ पे उनको बॉट फायर देकर बुलाता हूँ अपने पास। तभी उनका बंदा एक भागते हुए आता है, उसके बाद देखो गाइस। तो गाइस, मैंने जिस बंदे को अभी नॉक दिया है, ये मेरे ख्याल से फ्लेम डेविल वाला मिथिक सूट पहना था, जो कि अभी हाल ही में ही न्यू स्पिन इवेंट में आया था। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, अब यहाँ स्नाइपर बंदे खत्म हो चुके थे और जोन भी आ चुके थे, तो हम लोग निकलते थे जोन में। तो गाइस, हम लोग की यहीं पे मुलाकात होने वाली है पोसाइडर एक्स सूट वाले बंदे से, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इन बंदों के भी आपस में फाइट चल रही है। तो गाइस, मैं बिना किसी को बताए इस घर में आ जाता हूँ, और मुझको उस एक्स सूट वाले बंदे की लोकेशन नहीं पता। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मुझको गाड़ी के बाद आती है, उसके बाद देखो गाइस क्या गंदा सीन होता है इस एक्स सूट वाले बंदे के साथ। तो गाइस, मैंने इस पोसाइडर एक्चुअल बंदे के तीनों बंदे उतार दिए एक स्प्रे में, और आप लोग अभी किल इफेक्ट में देख सकते हो पोसाइडर एक्चुअल मारा गया मेरे हाथों। बड़ा हरामी हो बेटा। और मैं वहां से निकल के जोन में आ जाता हूं, और यहां पे अगर मैं देखता हूं कि यहां पे एक स्क्वाड पेट्रोल पंप पे कैंप की जाती है, और तभी मुझको उनका एक बंदा स्पॉट होता है। तो मैं भी यहाँ पे कोशिश ये थी कि मैं उनके बंदे को नॉक दे दूँ, लेकिन उनका बंदा नॉक नहीं होता है, तो वो बंदे तो मेरे पे पुश करेंगे नहीं, तो मैं उन पे पुश कर देता हूँ। तो जैसे मैं इन बंदों को पुश करता हूँ, तो ये ऐसे भाग लेते हैं, लेकिन मैं इनके एक बंदे को नॉक दे देता हूँ, तो अब इनको चल के ठोकेंगे। तो मुझको ये लगता है कि ये बंदे लाइट हाउस पे गए, तो मैं अपने बग्गी को साइड में करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने इनके बंदे को नॉक भी दिया है, तो इसको रिवाइव करने जरूर आएंगे।
और तभी मुझको इनके डांसे की आवाज़ आती है। उसके बाद देखो गाइस क्या होता है इनके साथ। तो यहाँ पे मैं इन बंदों को निपटा देता हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी भयंकर का फाइट चालू हो जाती है। तो जल्दी से चल के हम लोग भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं इसके एक बंदे को नॉक दे देता हूँ और इसके टीममेट इसको रिवाइव करने पहुँच जाते हैं। और गाइस अब सिर्फ चार बंदे बचे हैं और वो चार बंदे वही सामने की टीम है। अगर मैं सामने वाली स्क्वाड को मार देता हूँ तो मेरा चिकन डिनर कन्फर्म हो जाएगा। तो गाइस अब देखते जाओ। तो गाइस ये बंदा पेड़ के पीछे से कब यहाँ पे आके छुप जाता है मुझको बिल्कुल पता नहीं चलता है। और यहाँ पे हम लोग का चिकन भी नहीं निकल पाता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।